नमस्कार, स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जगदलपुर से सामने आ रही है। जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम, विशिष्ट अतिथि रही प्रियंका गांधी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित था यह कार्यक्रम। योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। प्रियंका गांधी ने योजनाओं की सराहना भी की है। बड़ी और अहम खबर जगदलपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर है। जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम हुआ है। विशिष्ट अतिथि रही हैं प्रियंका गांधी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित रहा है ये कार्यक्रम और योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है और प्रियंका गांधी ने इस कार्यक्रम की सराहना भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगदलपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में आप साफ तौर से देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही हैं, साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे हैं और इस दौरान महिलाओं से बातचीत करती नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। और साथ ही पूरे कार्यक्रम में जो भी प्रदर्शनी लगाई गई थी उनका उन्होंने अवलोकन किया है। वहां पर जो स्थानीय महिलाएं थी उनसे बातचीत की है। उन्होंने लोगों का फूल का गुच्छा भी स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ अतिथि प्रियंका गांधी वाड्रा जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हो रहे दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ अतिथियों का स्वागत किया है। और अम्बुज मार्ग की महिलाओं ने विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी को बांस शिल्प से बने उत्पाद भेंट किए हैं। प्रियंका गांधी ने यहां बस्तर फाइटर्स की जवानों से भी मुलाकात की है और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई है। आगे बढ़ते हैं। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी ने झीरम मेमोरियल पहुंचकर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। ये जगदलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां झीरम मेमोरियल सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को नमन किया है, पुष्पांजलि दी है, पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं, मौजूद नजर आ रही हैं और उन्होंने लोगों से उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। लोगों ने माला और पुष्प देकर उनका अभिनंदन किया है और तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में शहीदों पर पुष्प की वर्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। झीरन मेमोरियल से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर कोरबा से है जहां सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले की सड़कों में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश परिवहन और यातायात पुलिस विभाग को दिए हैं। कलेक्टर ने सड़कों पर मालवाहकों के बेहतरीन पार्किंग से होने वाले हादसों पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसे भारी वाहनों की वजह से सड़क वन वे बन जाता है और जिससे यातायात में भी रुकावट आती है और एकाएक पीछे से वाहन टकराने से इंसानों की जान जा रही है। वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं होने से भी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और अब ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए जांच करें और कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाएं ताकि हादसे रुके। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के वाहन बिना रिफ्लेक्टर के सड़क पर नहीं चलने देने और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राजीव युवा मैदान क्लब के सदस्यों का सहयोग लें। कोरबा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क सुरक्षा समिति की यह बैठक आयोजित की गई है। आरटीओ और यातायात विभाग को निर्देश जारी किया गया है जो सड़क दुर्घटनाओं होने की जो वजह है उन पर खास चर्चा की गई है और किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं में कमी लाया जा सके और इस पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर विभाग ने चर्चा की है और अहम जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। सड़कों में हादसे होने की वजह क्या क्या है, ये अहम जो मुद्दे थे इन पर विस्तार से चर्चा की गई है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि
और जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही है। सीएम ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मार्ग के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर दाएं बाएं ही सरकार थी। बचत तो नक्सल का दहशत, बस्तर के आदिवासियों के जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। एक तरफ नक्सलियों का दबाव तो दूसरे तरफ पुलिस का डर, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी लेकिन सीना हमारे आदिवासियों का होता था। कितने ऐसे निर्दोष आदिवासी हैं जिसको नक्सली बता के जेल में ठूस दिया गया था। गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, स्कूलें बंद, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी को जो प्रमुख लघु उपज है महुआ को सड़क में फेंकना पड़ा था। यह स्थिति बस्तर में, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इसी मंच में चुनाव के आखिरी दिन आचार संहिता समाप्त होने के 1 घंटा पहले राहुल जी इसी मंच में आए थे और यहां के लोगों की ऐसी सभा थी, लाखों लोग आए थे और बस्तर के आदिवासियों को, यहां के किसानों को, मजदूरों को विश्वास दिलाया था कि हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, शांति लौटाएंगे। बस्तर के लोगों के जल, जमीन, जंगल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे। और बस्तर के आदिवासियों ने विश्वास व्यक्त किया और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उपचुनाव में फिर देवती भाभी जीत के आई, 12 के 12 विधायक कांग्रेस के, यहां का सांसद कांग्रेस का, यहां का महापौर कांग्रेस का, यहां के जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्षगण सब कांग्रेस के। बड़ा विश्वास आपने व्यक्त किया, भरोसा किया और इन 4 साढ़े 4 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इस बस्तर से क्या है। 13 मार्च 1955 को नेहरू जी यहां आए थे, जहां जिस जगह सभा किए थे आदिवासी सम्मेलन, प्रियंका जी को स्थल में ले गए थे हम लोग। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था। और देश का, दुनिया में यह पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडी गुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। जल, जंगल, जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया, लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को, जल, जंगल, जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बन रहे हैं,
अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, शिक्षा के माध्यम से फिर से बस्तर को आगे बढ़ाने का काम, बस्तरिया बटालियन निर्माण के यहां के नौजवान को रोजगार, काजू 50 रुपए 60 रुपए किलो में बेच देते थे, आज प्रसंस्करण करके 1800-1900 रुपए किलो में बेच रहे हैं, रोजगार अलग मिल रहा है, आमदनी अलग। दंतेवाड़ा में कभी कोई दंतेवाड़ा के अंदर कभी जा सकता था? महेन कर्मा के गांव परसपार हम लोग जाते थे, महेन कर्मा जी तुरंत आधे घंटे हम लोग वापस कर देते थे। यहां मत रुको, जाओ दंतेवाड़ा। और आज दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव में, बाड़सूर में, दंतेवाड़ा में, गीदम में, कटे कल्याण में, सारे जगह डेनेक्स हमने खोला है। 800 से अधिक लड़कियां बेटियां हमारी काम कर रही डेनेक्स। बस्तर में कपड़ा बाहर से आता था, अब यहां हम बेटियां जो कपड़े सिलाई कर रही हैं, देश और दुनिया के लोगों को पहनाने का काम कर रहे हैं। परिवर्तन आया है। आज महुआ का लड्डू बन रहा है, इमली का कैंडी बन रहा है, कोंडो गांव का तिखूर, नारायणपुर का झाड़ू और तमाम प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमने अभी प्रियंका दीदी को दिखलाया किस प्रकार से हमारे बहनें काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। विकास में, विकास की दिशा में जिला आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, संभाग आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए जहां हमने ऋण माफी की, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया इस समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा, राहुल जी हमारे नेता ने कहा है कि 2500 रुपए हम खरीदेंगे, हम 1 रुपया भी कम नहीं होने देंगे। और हमने ये वादा निभाया। कोरोना काल के बाद भी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, 9000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों में संबद्धता आई है, लघु उपज विक्रेताओं में संबद्धता आई है। तेंदुपत्ता 2500 की जगह 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। लाखों परिवार को आर्थिक उन्नति के रास्ते में चल पड़ा है। हमारे बीजापुर आखिरी छोर के गांव विधानसभा, वहां सड़कें नहीं थी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल साल में देखा 2-4-5 बीघा बड़ी बात थी, लेकिन आज 500 से अधिक ट्रैक्टर हर साल बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल हजारों के तादाद में बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया, धान खरीदे, केंद्र हमने खोला, बैंक व्यवस्था की, और अब तो धान 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। किसानों का, मजदूरों का विश्वास जीतने का काम किया, और इसीलिए ये जो सम्मेलन है वो भरोसे का सम्मेलन है। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताएं, भरोसा है कि नहीं है? ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है, यह सम्मेलन आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन है, यह सम्मेलन किसानों के भरोसे का सम्मेलन है, यह सम्मेलन मजदूरों के भरोसे का सम्मेलन है, यह सम्मेलन माता बहनों के भरोसे का सम्मेलन, और यह सम्मेलन बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन। आदरणीय साथियों, आप सब ने देखा कि हमारी बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या हमारे बहने आई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 6500 से बढ़ा के 10000 रुपये हमने किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7000 किया है, सहायिकाओं का 3200 बढ़ा के 5000 रुपया किया है,
कोटवारों की भी मान दे, पटेलों की भी मान दे, और यहां बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से देश और दुनिया में बस्तर की पहचान है। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा, और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, मातागुड़ी, ये सब बनाने का काम किया। और तो और, जो हमारे बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, पुजारी है, उसको भी 7000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है, और जो भूमि श्रमिक है उसको भी 7000 रुपया देने का फैसला किया है। हमारी संस्कृति बची रहे, गोटुल बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ खड़ी है। अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, पेशा कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, वन अधिकार पट्टा देने का काम कांग्रेस ने किया है, भोजन प्राप्त करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। आप सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। आदरणीय साथियों, समय बहुत अधिक हो रहा है, दीदी भी आप सुनना चाहते हैं बहुत ज्यादा, और ना कहते हुए आज हमारे जो लोक पर्व है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सबके छुट्टी है। कल 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उसकी भी छुट्टी की घोषणा हम लोगों ने की है। तो आदरणीय साथियों, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हम दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, विकास के दिशा में सबको, सबकी भागीदारी हो। और इसलिए हम लोगों ने चप्पल बांटने का काम नहीं किया, जूता बांटने का काम नहीं किया, मोबाइल बांटने का काम नहीं किया, बल्कि आपके जेब में पैसा डालने का काम किया, ताकि अपने पसंद से जूते भी ले सकें, कपड़े भी खरीद सकें, मोबाइल भी आप खरीद सकें, आपकी पसंद से हो। कमीशन की कोई बात नहीं, इन 4-4.5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में पहुंचा है। इसके पहले कभी इतनी राशि कभी किसी सरकार ने आम जनता की जेब में डालने काम नहीं किया है, केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल जी, एक बात हम लोगों से कहते थे कि हर वर्ग को लगना चाहिए सरकार मेरी सरकार है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबको लगना चाहिए। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, हर वर्ग की सरकार है, सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार। तो आदरणीय साथियों, आप सब से यही कहना चाहूंगा कि आज बस्तर में शांति लौटा है। बस्तर में 1300 से अधिक जो आदिवासी जेल में बंद थे, उस सबको रिहा किया गया है। बस्तर के लोगों को जमीन दिया गया है, सैकड़ों हजारों के तादाद में अबुझमार में पट्टा दिया जा रहा है, मालकाना हक दिया जा रहा है। आज तक सर्वे नहीं हुआ था, और सारी योजनाएं अब अबुझमार में भी पहुंच रहा है, पुल भी बना रहे हैं, सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबसे कुछ घोषणाएं हैं। एक तो बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी, उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोती माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में ही लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा में शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरवगढ़ का नाम धुरुवाराम माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरवगढ़ करने की घोषणा करता हूं। और एक
जो हमारे प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, पहले तो केवल 7,000 मिलता था, अब तो 25,000 तक मिल रहा है। उन प्रबंधकों को त्रिस्तरीय संविदा वेतन मान प्रदायक किया जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं। आदरणीय साथियों, खेल के क्षेत्र में भी हमारे उमेश पटेल जी बैठे हैं, कोई एक आदमी छत्तीसगढ़ में नहीं था, 21 आदमी छत्तीसगढ़ में। और बस्तर में तीरंदाजी अकादमी, खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी स्थापना की जाएगी। और जगदलपुर में इसका जो इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन करके फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, पंडरी पानी आवासीय छात्रावास सहित हॉकी ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राज्य युवा मितान क्लब बनाया गया है, 19,020 क्लब का गठन किया गया है, उसे भी वार्षिक रूप से 1,00,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जो आश्रम छात्रावास का सम्मेलन दीपक बैज जी ने कराया था, हजारों हमारे छात्र आए थे और उन्होंने जो मांग की थी कि उनका जो छात्रवृत्ति है, शिष्यवृत्ति है, उसे बढ़ाया जाएगा, 1,000 से बढ़ा के 1,500 कर दिया गया। जो भोजन के लिए 700 रुपया था, उसे बढ़ा के 1,200 किया है। तो जो हमारे छात्र लोग मांग कर रहे थे, उसकी भी घोषणा मैंने की है। तो ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन, ये सम्मेलन किसान के भरोसे का सम्मेलन, ये युवाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये महिलाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये किसानों के, मजदूरों के भरोसे के सम्मेलन, ये आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन। और इस भरोसे सम्मेलन में आप लाखों तादाद में, मैं नहीं समझता, अभी कवासी लखमा से और साथियों से दीपक बैस से बात कर रहा था, इस ग्राउंड में इतनी बड़ी भीड़ इसके पहले कभी नहीं आई थी। प्रियंका जी को देखने और सुनने लाखों के तादाद में गाड़ियां कम पड़ गई थी, महाराष्ट्र से गाड़ी मंगाए तब भी। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।